अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और इस वक्त देखें टाइम हो रहा है, मतलब मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है, 11:30:35 हो रहा है, ठीक है। और सहरी के बाद में ना मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी, मतलब मुझे क्या बनाना है क्या नहीं, तो अभी समझ नहीं आ रही है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा हो गया बीच में ना, थोड़ी बहुत जैसे ना गर्मी गर्मी तो नहीं हो रही थी, अच्छा हो रहा था, लेकिन अभी ना फिर से ठंडी शुरू हो गई है, 2-3 दिन से काफी ज्यादा ठंड है। क्या हुआ भाई, फिर नाश्ता नहीं करना आपने? करना दो तो फिर आप कार लेकर बैठ गए? पहले दो फिर मैं कार छोड़ूंगा। क्या खाओगे? चाय ब्रेड। हमारा ट्रेडिशनल नाश्ता है चाय ब्रेड। रेहा हमदान का तो माशाल्लाह से रोजा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसके पूरे रोजे हुए हैं। ये टूटी हूँ, ये लोग उठ के ना अपना खेल रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ ना कीमा निकाल दूँ, देखते हैं इसके समोसे बना लूंगी या फिर जैसा भी हुआ। और साथ में ना ये मैं निकाल रही हूँ पाए, ये पाया ना असल में काफी दिनों से ला के रखा हुआ, बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो आज मैं ये दो चीजें निकाल रही हूँ, देखते हैं। इतनी ज्यादा हवा आ रही है ना ये विंडो से, गैस पूरी बंद हो रही है। बेटा दे रही हूँ, एक मिनट बन रहा है। मैं भी वो आना नहीं तो ना सुपर चालू है। ये ना बहुत दिनों से रखी थी, ये ना मैंने डब्बे में नीचे रख दी थी, मुझे याद ही नहीं था। और इसके बाद है ना बहुत सारी मैंने लाई और यूज भी करी, आज बहुत दिनों बाद निकाल दी इसको, मैंने बाद में देखा ना ये थी मेरे पास। इसे ना मैं हल्का सा गुनगुना पानी डाल रही हूँ, असल में सर्दी की वजह से ना पानी बहुत ठंडा है, तो हल्का सा डाला है, बाद में इसको अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने निकाल दी है इन लोग की चाय, और ये बटर जो है ना ये मैंने निकाला नहीं था, तो ये एक बिल्कुल कड़क है, हार्ड है। हमदान आप नमाज जाएंगे ना बेटा, मुझे ग्रीन चिलीज ला के दे देना, ठीक है? अभी जा रहे हो? रुक जाओ जरा, 5 मिनट के बाद जाओ, पैसे लेते हुए जाओ। कितनी? 2 पैकेट ला दो, ठीक है? बच्चे ने नाश्ता कर लिया है, तो अभी हमदान गया है नमाज, तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो नमाज से आएगा ना, तो फिर थोड़े बहुत काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं नमाज पढ़ूंगी। तो मुझे बनानी है ये सेवई सूखी वाली, फट से बना दूंगी। अच्छा मैंने है ना इसको भी वॉश कर लिया है, तो इसको मैं एक तरफ गलने के लिए रख दूंगी ना, तो ये अपना चलता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया है ना कि पाए को चढ़ा दिया है। अच्छा रेसिपी जो है ना वो पूरी मैंने यहाँ पर शेयर नहीं की है, क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों के साथ में ना पाए की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया है और गरम मसालों के साथ में, उसके बाद इसमें पाए डाल दिए, इसको अच्छी तरह से भूनना है, और जब वो भून जाए तो फिर उसमें आपने सारे मसाले डाल देने हैं। मसाले मैंने जो घर के होते हैं वही डाले हैं, और उसके अलावा ना मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून दही। तो अब ये दही के साथ में भी अच्छी तरह से भून चुका है ना, तो अब इसमें अपने हिसाब से आप पानी डाल दें कितना पतला रखना चाहते हैं, और फिर ये कि इसको अच्छी तरह से गलाना भी है, तो यहाँ पर ना मैं इसमें पानी ऐड करके इसको बंद करके एक तरफ रख दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए।
अच्छा यहाँ पर ना मैंने कीमे को वॉश कर लिया है। वैसे तो मैं इसके ना समोसे बनाने वाली थी, लेकिन फिर इन्होंने अभी कॉल करके कहा है कि कहीं पे अफ्तारी देनी है, तो फिर मैं समोसे वगैरह नहीं बना रही हूँ आज। ये जो कीमा है ना, इसका मैं बनाऊंगी ग्रीन वाला कीमा। ये हमारे बॉम्बे का बहुत ही फेमस कीमा है। तो इस चैनल पर तो मैंने रेसिपी नहीं अपलोड की है, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ में ना इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, कीमा है ना ये मोटा वाला है, हाथ का कुटा हुआ कीमा तो यहाँ पर नहीं मिलता। आप लोगों को मिले तो हाथ का कुटा हुआ कीमा ले, लेकिन ये ना मशीन से मैंने जो सबसे मोटा होता है ना वो निकलवाया था, तो ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, जैसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। अच्छा, इसको ना थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर देती हूँ मैं, अभी तक मैं गई नहीं हूँ, असल में सब काम में लग गई ना, तो एक के बाद एक काम आते ही गए। तो डाल देंगे 2 टेबल स्पून दही, ठीक है, 2 टेबल स्पून जाएगा इसके ऊपर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इतनी लंबी सीटी बचती है ना इसके अंदर, मैंने एक तरफ पाए चढ़ाए हुए ना। अब इसमें डाल देना है नमक 1/2 टीस्पून, इसमें मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, और इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करके आधे एक घंटे के लिए रख दें ताकि ये मैरिनेट हो जाए। हाथ से मैंने इसको मिक्स कर दिया क्योंकि इसमें मिर्चे नहीं है ना, मिर्ची होती है ना किसी चीज में, तो मैं उसको हाथों से मिक्स नहीं कर सकती, फिर वो मुझे प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से मैं फिर ग्लव्स पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये कीमे को मैंने मैरिनेट कर दिया है और दाल भिगो दिए थे मैंने, तो ये दाल है ना ये काफी हद तक भीग चुकी है देखें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है पाए, तो ये पाए जो है ना मैं लो फ्लेम कर दूंगी तो ये अपना पकता रहेगा। एक तरफ मैंने दूध को बॉईल कर दिया है, बच्चों के लिए मुझे बनाना है वो जेली वाला शरबत, उसकी वजह से तो मैं देखूंगी कितना टाइम मिलता है तो फिर मैं बनाऊंगी। तो फिलहाल मैं अभी आपको टाइम बताती हूँ। ये देखें, ये बच्चों ने फिर अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और देखिए मैं 11:30 को गई थी किचन में, इस वक्त हो गए हैं 1:15, ठीक है ना। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। अच्छा, नमाज पढ़ने के बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कीमा चढ़ा देती हूँ। कीमे को मैंने मैरिनेट किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसमें ना हम प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और आप चाहें तो इसको बारीक कट भी कर सकते हैं, और साथ में है ना जो साबुत गरम मसाले हैं वो भी आपने ऐड कर देना है। अब प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको अच्छी तरह से भून लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जब प्याज इस कलर में आ जाए ना, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, तो ये जो मैरिनेटेड कीमा है ना इसमें हम डाल देंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को हाई रखनी है और कीमे को अच्छी तरह भूनना है। तो जैसे आप इसमें कीमा डालेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगा, तो वो पानी के खुश्क होने तक आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो जब तक ये भून रहा है, दूसरी तरफ हम इसका ग्रीन वाला मसाला रेडी कर लेंगे। इसमें जाएगी हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। तो ये धनिया और मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से लें, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लें, और थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना ऐड किया है। तो इसको हम है ना ग्राइंड करके इसका मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ पर जब कीमे का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए ना, तो फिर हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, उसके बाद इसमें जाएगा सौंफ का पाउडर। सौंफ और धनिया को एक साथ आप पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्च, और ये जाएगा गरम मसाला, ठीक है। अब ये मसाले को भी 1 से 2 मिनट आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तो फिर हमने जो ग्रीन वाला मसाला बना के रखा हुआ है ना उसे ऐड कर देंगे। नमक अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि जब कीमे को मैरिनेट किया था ना, तो उस वक्त हमने इसमें नमक ऐड किया था, तो बाद में हम लोग इसको है ना टेस्ट करने के बाद इसमें नमक डाल देंगे। यहाँ पर ग्रीन वाला मसाला डाल दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर रख दें ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और कीमा जो है ना वो अच्छे से गल जाए। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि कीमा जो है ना गल गया, मसाला भुन गया, तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरे मटर। तो ये जो मटर है ना, ये मेरे पास फ्रोज़न थे, अगर आपके पास कच्चे वाले हो तो आप पहले ही उसको ऐड कर दें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सोया। तो ये जो सोया है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये हरे वाले कीमे के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, और बस उसका जो मतलब कीमे का जो टेस्ट होता है ना, वही पूरा चेंज हो जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है। अब उसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट हमने और पकाना है, और बस हमारा जो कीमा है वो रेडी हो जाएगा।
एक तरफ मैं है ना ये सेवइयों को भी बना लूँगी। तो सेवई को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा घी डालकर इसको अच्छे से रोस्ट किया है, और जो काजू और बादाम थे ना वो भी मैंने साथ में डाल दिया। इनको कट भी नहीं किया था क्योंकि है ना बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही डाल देती हूँ। तो हल्का सा इसको है ना अच्छी तरह से इसकी के साथ में फ्राई कर लिया है मैंने। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको रख के किसी और काम में लग गई, तो ये ज़रा सा डार्क भी हो गया है देखो साइड में से। और उसके बाद कोई शीरा वगैरह नहीं बनाया मैंने, इसमें डायरेक्टली पानी ऐड कर दिया, और फिर अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर दिया, और साथ में जो ग्रीन वाली हरी इलायची होती है ना, हरी इलायची को मैंने कूट के इसी में डाल दिया है। अब आपने फ्लेम को लो कर देना, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना कवर कर दें, और 5 से 7 मिनट तक छोड़ दें लो फ्लेम पर दम होने के लिए, और ये बहुत ही मज़े की आपकी सेवइयाँ भी रेडी हो जाएंगी। ये देखें, मतलब कि दूसरे बर्तन में शीरा बना के फिर इसको डालने की ना झंझट ही नहीं, मैं डायरेक्टली इसी तरह से बना लेती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। ये देखें, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बनी थी ये, और इतनी खुशबूदार थी। अच्छा, थोड़ा सा मैं घी ज़्यादा ऐड करती हूँ, तो ये जब रेडी हो जाता है ना इसके ऊपर से भी थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा पाया, मतलब पाया जो हमने पकाया था, तो वो भी रेडी हो गया है। और ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी मज़े की नज़र आ रही है। अच्छा, ये तो अच्छी तरह से गल गया है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हरी मिर्चें। आप बेशक कट करके ऐड करें तो खुशबू ज़रा ज़्यादा आएगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी मिर्ची इतनी डाली हुई है ना, तो मैंने इसको कट नहीं किया। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ में जूलियन कटी हुई अदरक। तो यहाँ पर हो गया है हमारा पाया भी रेडी। और उसके बाद थी फ्रूट्स को कट करने की बारी। तो ये तो मतलब वाटरमेलन जो है ये तो मस्ट है, इसके बगैर तो खैर अफ्तारी अधूरी लगती है, तो ये ज़रूरी होता है। बाकी के फ्रूट्स वगैरह हमने नहीं कट किए। हो गया ना टाइम? हाँ टाइम हो गया, बस आई थिंक 5 मिनट भी नहीं है अभी तो। जल्दी क्यों? खाता नहीं ना पाया, तो खाना चाहिए जबकि ये सब। क्या कर रहे हो आप दोनों ये? हाँ बन गए। तो ये थी हमारी आज की इफ्तारी, और इनके साथ खाने के लिए हमने लिया था मसरी खुबूस, जो कि हमारे पास में बेकरी है ना, तो बहुत ही गरम गरम से मिल जाती है, तो बहुत मज़ा आता है खाने के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं अलग से उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। और ये है इफ्तार के बाद की सबसे ज़रूरी चीज़, इसके बगैर तो खैर कोई चारा ही नहीं। अगर आप लोग भी मेरी तरह ये मतलब टी लवर है तो ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।